नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कंपनी ने नहीं निभाया वादा, गुस्साए गाड़ी मालिक ने, गाड़ी नहीं ये धोखा है बैनर के साथ शोरूम के आगे खड़ी की गाड़ियां। मेरे पास में करीब 120 गाड़ियां हैं, उसमें से 100 गाड़ी टाटा की है और 20 गाड़ी लीलैंड की है। लीलैंड के MD साहब और ये प्रेसिडेंट आते हैं और बोलते हैं हमारी नई गाड़ी लॉन्च हुई है नेपच्यून इंजन के साथ में, ये आप गाड़ी लो और अगर इस गाड़ी को इंजन संबंधी इंडिया में कहीं भी ब्रेकडाउन होता है तो हम आपकी गाड़ी को 24 घंटे में ऑन रोड कर देंगे। अच्छा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम आपकी पर डे के 4000 रुपए के हिसाब से हम आपको पे करेंगे और उस इंजन को रिपेयर नहीं रिप्लेस करेंगे, नया लगाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, गाड़ियां खरीदने के 4 महीने बाद में ब्रेकडाउन आना चालू हुआ। पहले तो ये सर्विस देते रहे और अभी इन्होंने सर्विस देना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी पूरे इंडिया में करीब 5 या 7 वर्कशॉप के अंदर ढाई 3 महीने से गाड़ियां खड़ी है, ये किसी तरह का रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मैंने मेल किया है, इवन नोटिस भी दिलाए हैं, नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक और मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये तो ये साथ में थे हमारे, ये कमिटमेंट करने आए थे। एक्चुअली क्या है, ये पर्सनल चार्टर प्लान से आते हैं इनके MD साहब और ये 15-20 गाड़ियां इनोवा लेके मेरे ऑफिस आते हैं और ये इस टाइप के कमिटमेंट करते हैं। जी हाँ, देखा आपने, गाड़ी मालिक हैं दिनेश बिश्नोई और उनके भाई हैं पारस बिश्नोई। इनके पास लगभग 120 गाड़ियां हैं जिनमें से 20 गाड़ियां हैं अशोक लीलैंड की। इन्होंने अशोक लीलैंड कंपनी पर आरोप लगाए हैं कि जब वो लोग गाड़ी बेचने आए थे तो बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि इनकी गाड़ी लीजिए, नेपच्यून इंजन के साथ ये गाड़ियां आई हैं जिनमें कभी भी अगर दिक्कत आई अगले 5 साल तक तो कंपनी रिपेयर नहीं रिप्लेस करेगी, यानी कि उसे ठीक नहीं किया जाएगा, बदला जाएगा। और ये भी कहा कि गाड़ी पूरे देश भारत में कहीं भी खराब होकर खड़ी हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी ठीक करवा कर देगी और अगर ऐसा नहीं कर सके तो जितने दिन वो गाड़ी खड़ी रहेगी पर डे का 4000 रुपए के हिसाब से खर्चा दिया जाएगा। लेकिन जैसा कहा गया वैसा नहीं हुआ, ये आरोप है गाड़ी मालिक का। गाड़ी मालिक का कहना है कि जब ये गाड़ियां ली गई उसके 3 महीने बाद ही ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। 1-2 बार तो कंपनी ने फ्री में रिपेयर किया लेकिन उसके बाद ये कहा जाने लगा कि इसके पैसे लगेंगे और कंपनी ने सर्विस करना बंद कर दिया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गाड़ी मालिक ने कंपनी का वादा तोड़े जाने पर क्या किया। उन्होंने पोस्टर छपवाए और गाड़ी पर इस वर्डिंग के साथ कि गाड़ी नहीं ये धोखा है अपनी गाड़ियों पर लगाकर जोधपुर में राजेश मोटर्स एजेंसी के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी जहां पर उनकी गाड़ियां ठीक होने के लिए गई थी और 2.5 महीने से ज्यादा हो गए वहीं पर खड़ी हुई थी। कंपनी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। यही नहीं, देश में कंपनी के अलग अलग 5-7 वर्कशॉप में इनकी खराब गाड़ियां खड़ी थी, उन सभी गाड़ियों को इन्होंने टो करके या लोड करवा कर जोधपुर में एजेंसी के आगे लाकर खड़ा कर दिया और उसी के सामने लगा दिया धरना। गाड़ी मालिक ने कंपनी में मेल भी की, नोटिस भी भिजवाए पर नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आया। थक हार कर उन्होंने ये कदम उठाया और अब एजेंसी मैनेजर तक ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, जैसा कंपनी कहेगी वो करने को तैयार हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने भी गाड़ी मालिक से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर उनकी यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो वो लोग कंज्यूमर कोर्ट से भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखे ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।